ज्ञानेन्द्रियानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुतालये कृष्णाय कृष्णदत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रमोदमदनलीलाकन्दरे कन्दरते रचयति नवदूरदन्तमस्मिन्मन्दीतकिलकरणाकलनार्थ लग्नस्तद्वयमे निजनिवास देहि गोवर्धनपूर्णक श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनीतनन्द श्रियाद्वैतगदाधर शिवसरे गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव दिदलीला प्रविष्ण विष्णुपाल अष्टोदश दशरी श्री श्रीमद भक्ति श्रेणु सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राग गाचार्य दत्त स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री लजपातगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण कमरा देखा जो प्रणाम स्वीकार। हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है जो कि प्रजमंडल परिक्रमा करते करते श्री गुरु जी का अंतर्गत भी हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन में हम लोग उपस्थित हुए। शास्त्र में बताया कृष्ण रस भरता मति प्रियता पुत्र की यदि लब्ध है हमारे इसलिए शास्त्र ने बताया जीवन में कृष्ण भक्ति रस में भागीदार जिसकी मति है अगर सौभाग्य क्रम से ऐसे रसिक भक्तों का अगर संगम में प्राप्त हो वह संगम द्वारा जीव को इतने महान वस्तु की प्राप्ति होती है जिसको द्वारा कोटि सुकृति अपनी न लग करे। कहते करोड़ों करोड़ जन्मों का सुकृतियों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है कहते वह वस्तु किसी कृष्ण रस भविता मति भक्तों का कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है लोग तो बड़े बड़े लोग तो श्री गिरिराज को परिक्रमा लगाने आते हैं गिरिराज को दर्शन करने आते हैं लेकिन अक्सर करके लोगों का जो भावना है हमारा बेटा बेटी की शादी हो जाए हमारा घर मकान मिल जाए हमें धन दौलत मिल जाए लेकिन गिरिराज की सेवा को प्राप्त करने के लिए और वे हमें कृष्ण भक्ति रस में श्रीमती श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो अनर्पित चरित्र प्रेम को देने के लिए आए थे वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़े विरल लोग आते लेकिन ऐसे भावना कब प्रकट होगा कैसे प्रकट हो सकता है। कहते केवल कृष्ण भगवत भक्ति रस में जिसका मति संपूर्ण डूबा हुआ है ऐसे भक्तों की अनुगत से हो सकता है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यवान हैं जो कि श्री लोग गुरु जी की अनुगत में हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन चलने में आए हैं। आज आप लोग जो इतने भक्त श्री महाराज की संग को प्राप्त करने के लिए आए हैं हमारे महाराज जी को इतने शक्ति कैसे प्राप्त हुआ है। जद्यपि गुरु जी नित्य तत्व है जद्यपि गुरु जी नित्य सिद्ध है तब भी साधक रूप में वो भी कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए जिस स्थान पर हमारे गौड़िया मठ है महाराज जी कहीं पर
पहले यहाँ पर दो मंजिल एक मकान था जिसमें महाराज यहाँ पर कठोर छात्र किया है, जैसे घोषणा में लोगों ने संध्या पूर्वक नाम वदान न दिधि काला बसा विक्रतो निद्रा आहार विहार काल विजितो चांतंत दिन चलो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्मुखितो वंदे रूप सनातन रघुजीवो श्री जीव गोपाल। गोस्वामियों को अनुसरण करते हुए गुरु जी हमारे यहीं पर कठोर साधन भजन किया, किसी ना किसी तरह से थोड़ी सी माधुर्य लेकर के थोड़ी सी के श्लोक में थोड़ी सी कभी खिचड़ी महाराज जी बना करके यहीं पर भजन करते हुए कभी पानी भर जाता था गले तक। गुरु जी वहां तक पानी को पार करते हुए रोज गिरिराज परिक्रमा करना, गोस्वामी ग्रंथ पर पठन पाठन करना और कठोर रूप में कभी गुरु जी ने यहाँ पर साधन की है, उसी साधन का फल स्वरूप देखो आज इनके प्रभाव इतने विस्तार हुआ है गिरिराज की कृपा से। अभी विश्व ब्रह्मांड के सब जैसे आप लोग भंवरे महाराज की कमल पुष्प की मधु को मकरंद को पान करने के लिए आप लोग अभी चार तरफ में बढ़ा रहे हैं। ये सबके सब गिरिराज जी सबके सब गिरिराज की कृपा है, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णात्मा सखा रति मंजरी होते हुए भी श्री गिरिराज की तनति में वो प्रार्थना करते हैं आपका श्री चरण हमें स्थान प्रदान करो। इसलिए जितने सारे हमारे गुरु वर्ग हैं वा जितने सारे बड़े से बड़े जो भक्त लोग हुए हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए और उन्होंने ब्रज गोपियों की उन्होंने प्रेम को उन्होंने दर्शन लिया, जहाँ पर गोपी प्रेम की कोई भाव उन्हें नहीं पाया, जहाँ पर उनकी संजल्प अभिजल्प प्रजल्प विजल्प जहाँ गोपियों की जो भाव को उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके उन्हें चकाचौंध हो गए उनकी भावना को देख करके, तो उन्होंने समझ गए कि अगर जगत जगत में अगर यद्यपि कोई सर्वश्रेष्ठ प्रेम है ये गोपी प्रेम ही सर्वोत्तम है, जिसके लिए उद्धव स्वयं ब्रज गोपियों की चरण धूल की प्रार्थना करते हैं और गोपियों की चरण की वंदना करते हैं, राधा रानी के चरण के धूल को प्रार्थना किया। तो उद्धव ने देखा अगर इतने श्रेष्ठ प्रेम को पाना तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका साधन क्या है, सबसे सरल साधन क्या है, तो उन्होंने देखा जब तक श्री गिरिराज की कृपा नहीं होगा, क्योंकि कहते रस्सी का बरफ लाना कहते रस्सी के पर है रस्सी को में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज को वर्तने, इसलिए महाराज जी कहते हैं ये भी स्वयं हरिदास राज्य भी है और ये हरिदासी भी है एक स्वरूप में, इसलिए गुरु जी कुछ कारण बताए हरिदासी क्यों, कहते कारण कहते प्रमद बदर विलाप कर करते, जब ये प्रमद बदर विलाप कंदरा कंदरा में किया है ब्रज गोपियों को साथ में जब विहार किया कहते लीला में कौन अधिकार हो सकता, इसलिए लीला में कौन प्रवेश कर सकती है, केवल उनको मंजरी दास ही प्रवेश कर सकती है। अगर ये गिरिराज गोवर्धन अगर ये हरिदास ही नहीं होते तो फिर कृष्ण चंद्रा चंद्रा में कुंज पूजा में लीला कैसे की है, इसलिए भी एक स्वरूप में ये हरिदास ही भी है। हाँ, इसलिए कहते पत्थर क्यों बन गए, कल महाराज जी बता रहे थे कि पत्थर क्यों बन गए, कहते इसलिए जड़ बन गए, अगर जड़ नहीं बनेंगे तो फिर एक संकोच बोध करके कभी कभी वो मधुर लीला प्रभु कर नहीं सकते हैं, इसलिए जड़ बनेंगे। गुरु जी कहीं बता रहे थे उसका तीसरा कारण जड़ बनने का, कहते जैसे अष्ट साथी जो विकार है उसमें स्वेद उलग अश्रु वैवर्ण उसमें स्तंभ है जिसमें जड़ता प्राप्त कर जाते हैं, मानो भगवान जब गिरिराज गोवर्धन में आते हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद कहते उनका चरण की स्पर्श को प्राप्त करके आनंद में कहते उसमें जो घास रहते थे घास नहीं मानो भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श से उनको रोंगटे के खड़े हो गए हैं, कहते उसमें जो झरना बहती है कहते झरना नहीं बहती है कृष्ण प्रेम में व्यापलित होकर के नयनम गलत गलतस्रु धारया बदनम गदगद रुधिया गया मानो प्रेम से उनको आंखों से आंसू की झरी बह रही है, कहते कृष्ण जब चरण अर्पण करते हैं मान से गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा को निकाल देती है और कृष्ण का चरण गिरिराज के जीवा को ऊपर
प्रदान कर रही। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण प्रेम में ही स्तंभ जैसे हो गए। इसलिए उद्धव जी देख रहे हैं अगर वह प्रेम को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं यदि गिरिराज की कृपा के बगैर वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं गिरिराज स्वयं उद्धव जी कहां पर गोपी प्रेम की चरमता दर्शन करके कहां पर उन्होंने वास किया यदि श्री उद्धव गुंडल तक। उद्धव जैसे व्यक्ति जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योतिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान। हे उद्धव तू मेरे जितना प्रिय है न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योतिर ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं शंकर भी इतना प्रिय नहीं लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं मेरा आत्मा स्वयं बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं। ऐसे प्रिय व्यक्ति प्रेमातुर भक्ति भक्त वो गिरिराज की तलहटी में ही आश्रय लेकर घास रक्त भजन कर रहे हैं। नारद जी जब उन्होंने पूर्णवासी को वृंदावन के मुख से उन्होंने अष्टकालीय लीला को उन्होंने स्मरण किया श्रवण किया और उसको श्रवण करके गोपी प्रेम की जो शब्द वाला को समझे राधा रानी कृपा के द्वारा तो उन्होंने देखा कहां पर हम भजन कर सकते हैं कहां पर ये सिद्धि मिलेगी। वो भी आकर नारद मंडल पर यही पर आकर भजन किया और गिरिराज की कृपा से ही नारद ये गोपी स्वरूप प्राप्त करते हैं। कहते मानो उसी धारा नहीं ये चीज को शिक्षा देने के लिए हमारे गुरु जी भी महाराज जी आकर के गिरिराज तलहट में भजन किया और भजन करके उन्होंने उस ब्रज प्रेम को गोपी प्रेम को हमारे गुरु जी ने ही प्राप्त किया है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। कहते श्री जी जो गिरिराज गोवर्धन कहते इनका एक अचिंत इनका स्वरूप है जैसे महाप्रभु एक अचिंत ऋगावेद तत्व उन्हें सिखाया है दिया है कि उसी तरह ये गिरिराज की स्वरूप एक अचिंत स्वरूप है क्योंकि कहते एक स्वरूप में वो एक भक्त भी है और एक भगवान है। क्योंकि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो गिरिराज शिला प्रदान करते हैं महाप्रभु ने किया क्या बोले रघुनाथ तेरे को मैं ये गिरिराज शिला दे रहा हूँ ये गिरिराज स्वयं कृष्ण है। जब उन्होंने गुंजा माला दिया रघुनाथ ये स्वयं राधा रानी इसलिए महाप्रभु का मुंह से निकला हुआ कि गिरिराज कौन है कि स्वयं कृष्ण है। कल महाराज जी बता रहे थे कि इधर राधा रानी क्या बोलती है कि हंता अद्रियवला हरिदास वज्य राधा रानी स्वयं कहती है कि ये हरिदास है। अभी महाराज जी इस विषय पर बताते हैं इधर एक स्वरूप में स्वयं भगवान बता रहे हैं ये स्वयं कृष्ण दूसरे स्वरूप में राधा रानी बता रही थी ये कौन हरिदास वह हरिदास ही है। अभी अभी हम लोग किस चीज को ग्रहण करें उनको कृष्ण स्वरूप में ग्रहण करें ना उनको भक्त स्वरूप में ग्रहण करें ये तो महाराज का विचार है। हम लोग चूंकि आश्रय तत्व हाँ हम लोग आश्रय तत्व और आश्रय तत्व की सेवा प्राप्त हाँ आश्रय तत्व की कृपा से ही हमें वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये आश्रय तत्व जो श्रीमती राधा रानी जो बताई वो चीज हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसमें मैं एक विचार बता रहा हूँ पता नहीं वो झूठ वो सच होगा ना सही ना गलत है महाराज जी विचार करेंगे। हम क्यों ये आश्रय तत्व जो राधा रानी जो बता रही है हरिदास वज्य हम ये चीजों क्यों ग्रहण करें कारण क्या कारण है यदि कृष्ण जगत विषय विग्रह है और रस वैस रसम छवायाम लब्धानंद भवती कृष्ण जगत विषय विग्रह है लेकिन विषय विग्रह होने पर भी वो अपना सेवा रस को कृष्ण नहीं दे सकते और कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते उनको अंदर में क्या आनंद है कहते वह चीज कृष्ण को बता नहीं और कृष्ण ही भक्ति नहीं दे सकते। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रधर से कहना बताते हैं इसलिए जैसे भागवत में कृष्ण स्वयं कहते हैं अनुप्रजामि अहम नित्यम पूरे एक अंधी रेणु की कृष्ण कहते हैं मैं भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ बल्कि क्यों इसलिए भक्त जब चलते हैं उनको पीछे उनका चरण लूटता है जब भक्तों का पीछे पीछे चलूंगा उनका चरण भी उड़ करके मेरे सिर पर पड़े तब कहते पूरे एक मतलब मैं पवित्र बनने के लिए किसी भक्त ने पूछा प्रभु आपके अपवित्र रेडी हो गए हाँ भक्तों से मैंने ले रह गए कि मैं रेडी बन गया। क्योंकि भक्त लोग कई सेवा करते थे जब सेवा करते भी जब संतुष्ट होता हूँ गोपियों के प्रति तुम लोग बड़ी बड़ी सेवा किए हो न पा रहे हम वीरभद्र संजय तुम लोग को रेडी नहीं चुका पाऊंगा ब्रज गोपियां कुछ मेरी
मैं कुछ देता हूँ कुछ ग्रहण करो, लेकिन ब्रज गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर अगर आप देना चाहते हो आप चरण की सेवा लीजिए। इसलिए भक्त लोग कहते हैं नर नाम नर्य नाम न सुंदरी कविताम का जगदीश कामय न नाक पृष्ठम न चपार पृष्ठम न सार्वभौम रसाधिपत्यम। वो लोग कुछ नहीं चाहते मेरे भक्त लोग, केवल मेरा सेवा चाहते हैं। अगर केवल मेरा सेवा ही सेवा चाहते हैं फिर क्या हो गया, फिर मैं रेडी बन गया ना। इसलिए भक्तों से रेडी लगते लगते मैं एकदम रेडी बन गया। इसलिए मैं चाहता हूँ भक्तों का रेडी से उड़ी कैसे बन, रेडी से मेरा मुक्त कैसे हो। इसलिए भगवान सोचते हैं अगर मैं भक्तों का पीछे पीछे भी कुछ चलूंगा ना, उनका चरण मुझे पूर्ण करके मेरे सिर पर पड़ेगा, कम से कम पड़ी तो कोई भी मर जाऊंगा। तब यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान हो करके रस स्वरूप हो करके ये भक्तों की चरण धूल क्यों चाहते हैं, कहां दिया है, कहते इसका बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं। कहते भगवान देख रहे हैं मैं स्वयं विषय विग्रह हूँ, विषय विग्रह होने का नाते मेरे अंदर में क्या रस है, कर ये चीज मुझे बता दी, कर ये चीज पता किसको, कर ये चीज भक्तों को बता। कृष्ण में क्या रस है भक्तों को आस्वादन करते हैं, इसलिए भक्तों को बता रहे। अगर भक्तों को पता हो तो अभी फिर वो रस को मेरे अंदर में जो रस है फिर मैं चीज को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ भक्तों को कृपा को द्वारा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा भक्त पद जलार भक्त पद बुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन के साधन पर। कहते साधन का जो पद है, भक्ति पाने का जो मार्ग है, तीन चीज है। कहते किया कहते एक भक्तों का चरण धूलि और एक भक्तों का चरणामृत, तीसरा भक्तों का अधरामृत और हरि कथामृत। कहते तीन चीज, कहते तीन चीज ही भक्ति दे सकती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं यदि तीन चीजें भक्ति दे सकती है, भक्तों का चरण धूल से भक्ति मिल सकती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जब भक्तों का पीछे पीछे चलूंगा उनका चरण की धूल जब पूर्ण करके मेरे सिर पर पड़ेगा, यदि उनका चरण का धूल भी ये भक्ति प्रदान कर सकती है और वो भक्ति को द्वारा मेरे अंदर में जो रस है, मैं जो रस स्वरूप हूँ, रसम भवायाम लब्धानंद भवति, मैं जो अखिल रसामृतम मृत्यु हूँ, तब वो चीज को मैं आस्वादन कर सकता हूँ। इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान होने पर भी कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए और निकुंज में बैठ बैठ करके सोच रहे हैं यद्यपि मैं स्वयं रस स्वरूप सारे रस को मैंने आस्वादन की है, लेकिन एक चीज में मेरा दिमाग से ऊपर चला गया, वो क्या है, कहते राधा प्रणाम महिमा की दृश्यम, वो चला गया। इसलिए महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वयं राधा भाव और अंगकांति को लेकर आए और गुरु किसको बनाया, कहते विशाखा को, राजा मंत्र को गुरु बनाए, गुरु बना करके फिर वहां से उन्होंने शिक्षा दिया, फिर पुरी में आस्वादन करते हैं। अगर ये गिरिराज को अगर हम भक्त स्वरूप में मानते हैं, महाराज का जो विचार अगर उनको जो हंता अद्रि अवला हरिदास वर्ज्य जो राधा रानी उनको हरिदास वर्ज्य रूप में बताती है, अगर हम उनको हरिदास वर्ज्य रूप में हरिदासी रूप में अगर उनका हम आश्रय ले, इसलिए वो स्वयं हमें ये गिरिराज की कृष्ण प्रेम हमें प्रदान कर सकते हैं। यदि ये महाराज के विचार में तो बताया अपना विचार दिया, अभी महाराज बताएंगे ये बात सही ना गलत है। इसलिए कहते गिरिराज जी इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन, कहते उनका नाम ही उनका महिमा को प्रकाश करता है। कहते गिरिराज गिरि और एक राजा है, कहते दो स्वरूप में गिरियों में राजा है। कहते एक स्वरूप में श्री गिरि, इनका नाम गिरिराज मतलब गिरि में जो राजा, इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे कहते जो गिरिराज गोवर्धन का जो ऊंचाई वो 64 मील बता रहे थे। इसलिए जितने सारे गिरी है सबसे बड़ा माना जाता है हिमालय पर्वत को, लेकिन उससे भी कहते हैं गिरिराज उससे भी बड़ी ऊंची थी। महाप्रभु का समय पर बोलते हैं यहाँ सूर्य अस्त होने पर उसी समय इसका परछाई मथुरा पर पड़ता था, इतने बड़ी लंबाई थी गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए किसी स्वरूप में गिरिराज, दूसरे स्वरूप में कर हर पर्वत का एक एक स्वरूप है, हर पर्वत का, लेकिन किसी गिरिराज का पर्वत का क्या स्वरूप है, एक स्वरूप गिरिराज गोवर्धन का, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने कठोर साधना भजन की राधा कृष्ण की, जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो, बोले आपकी चरण की सेवा चाहते हैं, बोले किस रूप में चाहते हो, बोले हम पत्थर बन करके जैसे ब्रह्मा कहते तब दुर्भाग्य मेरे जन्म कि अटक गया, उन्होंने देखा अगर पत्थर रूप में भी हमारा जन्म हो जाएगा
तभी कृष्ण की अगर सेवा मिल जाए तभी हमारा जीवन सार्थक था। इसलिए स्वयं शंकर बोले बने नंदगा, स्वयं ब्रह्मा बोले ब्रह्माचल पर्वत बरसाना, और यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ही ये गिरिराज गोवर्धन बने। इसलिए इनका जो गिरिराज है मतलब स्वयं विष्णु ही इसका अधिष्ठान देवता, स्वयं कृष्ण ही इसके अधिष्ठान देवता, और स्वयं ये हरिदास की है। और गोवर्धन को मतलब होता है इंद्रिया, वर्धन मतलब होता है इंद्रियों की जो बढ़ाती, मतलब इंद्रियों को जो सेवा करती। फिर गिरिराज कल आप लोगों ने श्रवण किया, गिरिराज विभिन्न रूप में कृष्ण इंद्रियों को तृप्ति किया है सब, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में जब गिरिराज धारण की, कृष्ण चाहते थे रासलीला करना, रासलीला है कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ लीला है। अभी कृष्ण सोचे कि रासलीला करूंगा कैसे करूंगा, अभी ब्रज गोपियों के मन को आकर्षण करना, इसलिए कुछ चीज उनको दिखा करके आकर्षण करना। इसलिए कृष्ण गिरिराज जब धर्म किया, जितने सारे ब्रज गोपियां आ करके जब कृष्ण की पराक्रम को देखा, जैसे कि हाथी एक कमल पुष्प को उठा ले, जैसे कृष्ण ने गिरिराज को धर्म किया, इसलिए ब्रज गोपियां तो कृष्ण की ये भावना को देख करके उनके चरण वो लूट गए। कृष्ण के कारण सारी इच्छा पूरी हो गई, रासलीला का प्लेटफॉर्म बन गया। इसलिए मानो ये गोवर्धन है, कृष्ण का सर्वतम रूप में कृष्ण का जो इंद्रिय तृप्त रास नहीं है, इसी रूप में मानो कृष्ण ने इंद्रिय को उन्होंने बढ़ाया। मैंने जो गुरु से सुना था पढ़कर तो बताया, अगर इसमें कुछ भूल होगा तो गुरु संशोधन कर देंगे। फिर मानता अगर मेरे बात रसानंद पूरे बताया कि कल आपने बताया था ये हरिदास वर्ज हैं, श्रीमद् महाप्रभु इनको कृष्ण के रूप में दर्शन किया और राधिका की स्कूल कह रहे ये हरिदास वर्ज हैं, और रसानंद कह रहे ये हरिदासी है, अगर नहीं होते हरिदासी कृष्ण इनको चौट पर कैसे बजाते बासी। तो ये विचार किया कि हरिदास है या हरिदासी है या कृष्ण है। अब तक हम सुन चुके थे कि हरिदास वर्ज है और कृष्ण भी है, लेकिन असंद ने विचार दिया नहीं हरिदासी है, और हरिदासी होते तो गिरिराज गोवर्धन कुंडलिंग शब्द है, जब उनकी पूजा होती है ओम गिरिराज नमः, तो अगर शक्ति होते तो ह्रीम श्रीम राम बीच होता ये भी नहीं है। और असंद को देखा आपके साथ जब गए जमीन चढ़ाया तो दासी को कैसे जमीन चढ़ाया असंद कुंड ने, ये मेरा जिज्ञासा है, असंद इसका उत्तर दें। हरे कृष्ण भक्तों में हमारे श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने जो बृहद भागवता मृत में उन्होंने पांच तरह का भक्त बताया है। लास्ट उन्होंने जो प्रेमातुर जो भक्त उन्होंने उद्धव तक बताया, उसको बाद में फिर भक्तों का स्थिति वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति उन्होंने आ गए तो उन्होंने कहां पर आश्रय लिया, वो गोपी प्रेम को पाने के लिए। अगर ये दासी नहीं होते तो जिसको पास में जो वस्तु नहीं वो दूसरे को वस्तु नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने गोपी प्रेम को पाने के लिए नारद उद्धव रघुनाथ दास गोस्वामी रति में जे वो स्वयं कहते हैं निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णता। अगर कुए अगर ये रस का, इसलिए कहते रस्सी का बर्फ फुलाना, उनका रस्सी को मैं बर सर्वश्रेष्ठ बताया, रसिक में सर्वश्रेष्ठ है। अगर उनका अंदर में ये रस नहीं होता तो फिर ये रस कैसे दे सकते हैं, इसलिए इसमें सिद्ध होता है ये हरिदासी है। ब्रज गिरिराज महाराज की, ब्रज माधव महाराज। और अभी बताया कि भगवान विष्णु ने ये पर्वत हुआ है, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पर्वत बरसाने में और विष्णु को बने शक्तिपद के पास असंद में यही हुआ है। आपने बताया भगवान ने इधर गिरिराज जी हुआ, ऐसे कहाँ वर्णन है? और एक है सर्वत्र प्रमाण दिव्य पुराण वचन है, ऐसे वर्जरी करने से नहीं होगा, ये हरिदास से कहाँ से? और हरिदास ही मान लेंगे कृष्ण भी स्त्रियों का सम्मान किया है, और हरिदास ही होंगे तो सखा दासी का खुद लेना चाहिए सबके ऊपर, ये कैसे विचार है? देखो श्री जी भगवान कहते हैं मुक्ता की क्या विग्रह तीर्था भगवतम सेवकतम, कहते एक साथ में मुक्त पुरुष एक साथ में बहुत स्वरूप को धारण करते हुए भगवत सेवा करते हैं, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण सेवा में रति मंजे और महाप्रभु सेवा में कहते ये स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री राय रामानंद उनको एक साथ में पांच स्वरूप बताया गया,
कदी ये एक स्वरूप में अर्जुना सखी, दूसरे स्वरूप में ये अर्जुन, तीसरे स्वरूप में ये विशाखा, चौथा स्वरूप में उनका ललिता का भी कुछ संग है। तब हम क्या बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं? इसलिए मुक्त अवस्था में हमारे बुद्धि वहां काम नहीं करती है, इसलिए हमारे बुद्धि को सर बंद करके गुरु वर्ग का बुद्धि को लेनी चाहिए। जो पहले प्रश्न पूछा था, अगर ये हरिदासी होती तो उनका मंत्र में ओम गिरिराज का नाम क्यों है? उसमें ह्रीम श्रीम राग कुछ होता? और फिर जब हमारे साथ गए थे जब ये क्यों चढ़ गया था गिरिराज जी को, बताइए। हमारे गुरुदेव हमारे देखने में पुरुष है, हम मंत्र उनका एम से लेते हैं, लेकिन अंदर से वो मंजर ही है जो हम समझते ही नहीं है। इसी तरह से जो वही शब्द है आप अग्नि पुराण में देखेंगे, ये पुरुष वाचक ये बीज नहीं है,